अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद दुआ प्रार्थना आप लोगों के साथ है। और आप लोग जानते हैं कि मैं दिल से बात करती हूँ। बहुत सारे लोग जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें ये पता है। और सबसे पहले मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, नीचे कमेंट्स में बताते हैं कि इस पे रिएक्शन दें, इस पे इसी तरह मुझे अपना प्यार देती रहिए और बताते रहिए कि मुझे कौन से टीज़र ट्रेलर गाने पर रिएक्शन देना है। और ये कहूँगी कि सब्सक्राइब माई बोथ चैनल, एक्सप्लोर विद कायनात काज़मी भी आपका ही चैनल है। और रिएक्शन वर्ल्ड को तो आप प्यार दे रहे हैं, इसी तरह मज़ीद प्यार देते रहें और अप्रिशिएट करते रहे। आज एक लाइक ऑफिशियल ट्रेलर है जिस पर मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, जिसका नाम है थाली। एंड सब आजकल काफ़ी इसके बारे में बात भी हो रही है, धूम मची हुई है। इसमें सुष्मिता सेन ने काम किया है एज अ लीड एक्ट्रेस। और एक ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है और श्री गौरी सावंत हैं उनके बारे में है ये। वो एक ट्रांसजेंडर हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। उनकी लाइफ के बारे में ये स्टोरी है कि कैसे उनकी जर्नी है और कैसे उन्होंने वो मकाम अपने दम पे अपने हासिल किया। और ये इस पूरी मूवी का जो बजट है वो 20 करोड़ है और ये 15 अगस्त को आपको OTT प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं इस मूवी को, थाली को। और अभी जो है मैं इसके ऑफिशियल ट्रेलर को देखती हूँ, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, क्योंकि ये गौरी भी कभी गणेश था। क्या बनोगे बड़े होकर? मुझे तो माँ बनना है। मर्द कभी माँ नहीं बन सकते। ये कभी मत बनना। क्यों? क्योंकि कुछ भी अभी भी बदलने की उम्मीद है। जिस देश में कुत्तों तक का सेंसस होता है पर ट्रांसजेंडर्स का नहीं, ऐसे देश में आप जैसे लोगों के बीच जीना, दैट इज स्कैरी। आप ये कह रहे हैं कि इस देश में अगर आप मर्द या औरत नहीं है तो जिंदा ही नहीं है। ये रूल क्या लगता है ये रूल बदलने के लिए? पेटिशन। हम सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन जारी करी ट्रांसजेंडर इक्वालिटी के लिए। गली की लड़ाई आखिर दिल्ली तक पहुंच ही गई। ट्रांसजेंडर को लीगल राइट मिलना कितना जरूरी? जितना एक बच्चे को उसकी माँ मिलना। माँ होना कोई जेंडर नहीं, बस फील है। ओके, सॉरी, पता है क्या है, मैं आई डोंट हैव वर्ड्स टू रिएक्ट ऑन दिस, बिकॉज मैं और आप जो हैं ये नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी लाइफ में तय है ना। मैं लड़की हूँ, आप देखने वाले लड़के होंगे तो आप लड़के हैं, देखने वाली लड़कियाँ तो वो लड़कियाँ हैं, वो तय है। लेकिन ट्रांसजेंडर एक ऐसी फीलिंग्स हैं जो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे साथ कभी गुजरी नहीं और हमें पता ही नहीं है। मेरे या आपके कितने दोस्त होंगे जो ट्रांसजेंडर होंगे? शायद कुछ लोगों के हों, कुछ लोगों को शर्म नहीं आती हो, कुछ लोगों की फैमिलीज उनको अलाउ करती हो बैठने के, लेकिन सच पे बात करेंगे, सच का ही रिएक्शन है, सच पे ही बात करेंगे। पहले तो मैं सच बताऊँ तो रवि जाधव जो हैं
हैट्स ऑफ टू हिम जिन्होंने ये डायरेक्ट किया. और सबसे बड़ी बात है सुष्मिता सेन जी की जो इस महानता जो उन्होंने दिखाई, कैरेक्टर प्ले किया, उसके साथ जस्टिस किया है और दिख रहा है वो. मतलब मेरे रोंटे खड़े हो गए थे और इवन कि मेरे अंदर ऐसा नहीं था कि मैं ये कैमरा ऑन है मैं कोई बात करूँगी. कैमरा मतलब मैं सच बताऊँ समटाइम में जो कुछ कोई चीज़ देखती हूँ तो मेरा बहुत जेन्युइन रिएक्शन होता है और जो मेरे दिल में होता है मैं वो बोलती हूँ. मैं इंसान भी ऐसी हूँ, जो दिल में होता है वही बोलती हूँ. मतलब मुझे इतना कोई अच्छा लगा है ये टॉपिक, इतना कोई अच्छा लगा है. टैबू है यार ये कि मर्द है या औरत है. और वाकई ट्रांसजेंडर को क्यों नहीं है, किस बात की राइट नहीं है भाई अगर वो ट्रांसजेंडर है. अब मुझे वो सीन इतना पेनफुल लगा, वो शॉट इतना पेनफुल लगा कि सुष्मिता सेन जो है वो खड़ी भी होती हैं, श्री गौरी जो है जिनका कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, श्री गौरी जो है वो उनके साथ वो बीता है, बेस्ड ऑन ट्रू है. वो एक्टिविस्ट है, वो ऐसी नहीं बनी. उन्होंने सब सहा है कि वो मेल और फीमेल की लाइन में तो वो कन्फ्यूज़ होती हैं. वो एक दर्द है जो नहीं समझ सकता कोई. और इवन के उनकी जो ट्रांसजेंडर की खुद के जो लोग होते हैं वो उनको बोलते हैं, मतलब वो सीन देखा कि वो उनको बोलते हैं कि क्या दिखावा करिए हम जैसा होने का या हमारे लिए कुछ करने का, पहले हम जैसा बन के दिखा. क्योंकि बचपन से ही वो जो है गणेश होते हैं और मतलब उनको पूरा एक प्रेशराइज होता है सोसाइटी का कि तुम मर्द हो. इवन के ट्रांसजेंडर भी उनको कहते हैं कि हम जैसा नहीं बनना क्योंकि उनको पता है लाइफ डिफिकल्ट होती है. बट वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पढ़ती है, मतलब श्री गौरी पढ़ती हैं. और फिर वो इवन के उस मकाम पे जाती है लेकिन जब वो देखती है ना कि कोई भी उनको जो है नहीं एक्सेप्ट कर रहा, मतलब यहाँ भी उनकी जगह नहीं है और प्रॉपर ट्रांसजेंडर की भी उसमें जगह नहीं है क्योंकि उनका गेटअप मील्स वाला होता है. फिर वो अपना बहुत पेनफुल था कि वो सर्जरी करवाती हैं और अपने आप को एक औरत के, एक ट्रांसजेंडर के आप कह सकते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से धारने की कोशिश करती हैं. वो कैरेक्टर वो भी बहुत पेनफुल था खैर देखते हुए, लेकिन ये है, ये ट्रू है, ये संजीदा टॉपिक है और ये बहुत कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान ये फेस कर रहा है. तो ये सब उन्हीं को जो है ट्रिब्यूट किया है इस मूवी ने बेसिकली. और फिर जो है वो लाइक प्रॉपर स्टेप लेती हैं कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूँगी. और आपको पता है श्री गौरी जो है डायरेक्टर हैं बेसिकली सखी जो है, सखी उनका वो लाइक प्रॉपर सखी चार्ज होगी, उनकी पार्टी है, उसके डायरेक्टर हैं और वो बेसिकली ट्रांसजेंडर के लिए काम करती हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करती हैं. और वो लाइक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में जाकर अपनी जर्नी बताकर बहुत सारे ऐसे लोगों को मोटिवेट करती हैं जो लोग डर है उनके अंदर सोसाइटी का, फैमिली का, जो कि वो नहीं है वो बनते हैं. मैं भी ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिनको सोसाइटी का डर है, वो नहीं कि मेरे घर में क्या बोला जाएगा, लेकिन वो नहीं है जो उनको प्रेशराइज किया जा रहा होता है कि तुम ये बनो. क्यों बनो जब नहीं बनना, या जब नहीं बन सकते या नहीं बनना चाहते. तो इवन के वो सारा कि उनको नहीं एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, और फिर वो फाइट करती है इंडिया में अपने राइट के लिए. और फिर मतलब वो एक राइट के लिए फाइट कर कर एक ऐसे मकाम पे चली जाती हैं कि लोगों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी इंस्पिरेशनल हो जाती हैं. और जैसे कि सुष्मिता सिंह ने इस कैरेक्टर के साथ बहुत जस्टिस की, इवन हर वॉइस लाइक उनकी आवाज़, उनका वो कड़कपन, उनका वो बेस्ट है यार, बेस्ट है, क्या बोले, लाइक दे आर ब्रिलियंट. वट एवर दे डूइंग इट वो दिल से करते हैं जस्टिस. हम तो बहुत आसानी से कह देते हैं मज़ा आया, हिट थी, फ्लॉप थी, अरे बहुत इमोशनल थी, बहुत ड्रामेटिक थी, बहुत थ्रिलर था. लेकिन इस तरह की जो स्टोरी जो किसी की बेस्ड ऑन ट्रू जिंदगी से रिलेटेड हो उसे हमें समझने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं मैसेज है. रोमांटिक, थ्रिलर, कॉमेडी हम देखते हैं लेकिन किसी की हकीकी मबनी पर ज़िंदगी अगर बनी है, मूवी बनी है, और उस चीज़ को भी हमें, उस पेन को, उसको समझना चाहिए. आई होप कि लोग ये प्लेटफॉर्म पर आएगी, OTT प्लेटफॉर्म पर, तो सब देखेंगे. जब देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. एंड आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट जितने भी इस तरह की कम्युनिटी के लोग हैं. मुझे यकीन है कि वो जब ये देखेंगे तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी कि एटलीस्ट कोई है जो उनके लिए आवाज़ उठा रहा है. एंड हैट्स ऑफ टू हर, हैट्स ऑफ द टीम. और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर. और ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है जिस पे बात करने की ज़रूरत है और मैं तो डेफिनेटली देखूंगी. सो गाइज आप लोग बताएं आपको कैसा लगा और आप लोग क्या फील करते हैं और आपको
किस हद तक आप मेरी इस बात से जो है इत्तेफाक करते हैं या किस हद तक आप इस बात से एग्री करते हैं। सो डू लेट मी नो और कमेंट सेक्शन में इसी तरह प्यार देते रहिए। नए ट्रेलर आएंगे, टीजर आएंगे, गाने आएंगे, उस पर भी हम रिएक्शन देंगे। एंड आई लव यू ऑल, प्लीज सपोर्ट माई चैनल एंड सपोर्ट, एंड आई नीड योर लव एक्चुअली, आई नीड योर अप्रिसिएशन। सो टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल।